वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं कि पीडीएम के पेशावर जलसे के दोहार प्रोफाइल रहनुमाओं को कोरोना हुआ। स्टेज पर मौजूद सब रहनुमाओं को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनपी कोरोना पर सियासत कर रही है, इससे तालीमी इदारों की बंदिश को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया। मजीद क्या कहना है उनका, हमारे नुमाइंदे नवाब शेर इस वक्त तैमूर झगड़ा के साथ ही मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सेहत तैमूर झगड़ा साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करें। सर जी, अपोजिशन जो है वो मानने को तैयार नहीं है, जलसे कर रही है और कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। खासकर अगर आप देखें तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में उस जलसे के बाद बहुत ज्यादा केसेस बढ़े और जो जान बहक अफराद हैं उनकी तादाद में भी इजाफा हुआ है, तो क्या कहें? जब स्टेज पे बैठे हुए दो जो हाई प्रोफाइल लोग थे उनको कोरोना हो गया, और अगर बाकियों के टेस्ट करें तो, और मेरे ख्याल में सबको करना चाहिए, इन चीज़ों पे सियासत नहीं करनी चाहिए। डिसीजन सूबे ही ले रहे हैं। जिस वक्त में कोऑर्डिनेटेड डिसीजंस नहीं होते थे तो यही सारे कह रहे होते थे कि चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर लीड करें, ये तो वबा है। आज वो जो है वो बिल्कुल उलट रास्ते पर जा रहे हैं। इससे नुकसान मुल्क को होगा और नुकसान अपोजिशन की अपनी क्रेडिबिलिटी को ही होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वजीर सेहत साहब का यही कहना है कि कोरोना पर सियासत नहीं करनी चाहिए, एहतियात लाजमी है और कोरोना से जो मुतासर अफराद की तादाद में जो इजाफा हो रहा है तो उनके लिए हुकूमत मुअसर इकदाम कर रही है। जी